जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार अगले महीने वित्त वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करने वाली है। इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। हालांकि अभी तक बजट पेश किए जाने की तारीख का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन सरकारी सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्री 18 जुलाई को बजट पेश कर सकती हैं। पहले से ही ये उम्मीद बताई जा रही थी कि मोदी 3.0 का पूर्ण बजट मध्य जुलाई में आ सकता है। 18वीं लोकसभा का पहला सत्र 24 जून से शुरू होगा और 3 जुलाई तक चलेगा। वहीं संसद का मॉनसून सत्र जुलाई महीने के तीसरे सप्ताह में शुरू होने वाला है और 9 अगस्त तक इसके चलने की संभावना है। गौरतलब है कि निर्मला सीतारमण ने 12 जून को हाल ही में स्थापित एनडीए सरकार के वित्त और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री के रूप में पदभार संभाला है। अब उन्होंने पूर्ण बजट पेश करने की तैयारी शुरू कर दी है। इससे पहले राजस्व सचिव के साथ आधिकारिक बैठक करने के बाद वित्त मंत्री आज उद्योग जगत के हितधारकों के साथ बजट पूर्व मीटिंग करने वाली है। वित्त वर्ष 2025 के लिए अंतरिम बजट बीते 1 फरवरी को पेश किया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जुड़े हुए हैं। अखिलेश जी, देखा जाए तो वित्त मंत्रालय की ओर से बजट पेश करने की बात सामने आ रही है, 2024-25 का बजट पेश किया जाना है। इस बार के बजट में क्या कुछ खास होने वाला है, क्या इसको लेकर के कुछ जानकारी है? अब अंतिका बता दूं, एनडीए की तीसरी बार केंद्र में सरकार बनी है। मोदी सरकार का ये तीसरी बार बनने के बाद पहला बजट पेश होगा। आपको बता दें कि जब चुनाव में, लोकसभा चुनाव में जब भाजपा जा रही थी, यानी एनडीए सरकार जा रही थी, तो उससे पहले अंतरिम बजट निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अंतरिम बजट पेश करने के बाद अब पूर्ण बजट पेश करने की बारी है। तो पूर्ण बजट अब जुलाई के 18 या 20 जुलाई को पेश हो सकता है। दो तारीखें बताई जा रही है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी कोई भी आधिकारिक तौर पर तारीख का ऐलान नहीं किया गया है कि वो किस टाइमिंग बजट पेश किया जाएगा। फिलहाल आपको बता दें कि बजट की तैयारी के इस बार को काफी कुछ मुद्दे अहम रहने वाले हैं। सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो लगातार बढ़ रहा है, उसको कम करने पर सरकार विचार कर रही है। इसी को लेकर सरकार ने राजस्व परिषद के सचिव के साथ बात की थी, कहा था कि चर्चा की थी कैसे रेवेन्यू बढ़ाया जाए, यानी राजस्व केंद्र सरकार का कैसे बढ़ाया जाए जो राजकोषीय घाटा लगातार बढ़ रहा है उसको रोका जाए। इसके साथ आर्थिक एजेंडा पर लगातार चर्चा चल रही कि आर्थिक एजेंडा इसके बजट में क्या होना चाहिए। उसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शेयर मार्केट के शेयर धारकों से, जो बड़े शेयर धारक हैं, उनके साथ चर्चा की थी। इसके साथ ही आज उनकी एक और बड़ी अहम बैठक है, वो उद्योग व्यापार मंडल है, जो कई बंदे मंडल अध्यक्ष चल रहे हैं, उन उद्योग मंडल व्यापारियों के साथ वो चर्चा करेंगे कि क्या किया जाए कि इस पर महंगाई पर रोक लगाई जाए और बजट में उनके लिए क्या खास किया जाए जिससे देश की जीडीपी भी बढ़े। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसमें तैयारी चल रही है कि किसानों के अंदर जो नाराजगी है उसमें बजट में उस नाराजगी को कैसे साधा जाए। इसके अलावा महंगाई जो लगातार बढ़ रही है, महंगाई पर रोक कैसे लगाई जाए। इसके अलावा आपको और बताता हूं कि जो सबसे बड़ी बात चल रही है इस आर्थिक एजेंडे में कि लगातार महंगाई जो बढ़ रही है, उसके बाद बेरोजगारी बढ़ रही है, बेरोजगारी के साथ साथ लगातार जो आर्थिक जीडीपी है वो भी लगातार गिर रही है और विपक्ष इस मामले में सरकार को घेरने में हर समय आगे खड़ा रहता है। तो सरकार का एजेंडा है कि इस प्रकार जब इस बार जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट 2024-25 का एनडीए सरकार के लिए 18 जुलाई या फिर 20 जुलाई को जब पेश करने आएंगी तो उस दौरान ये देखने को मिलेगा कि जनता के हित का बजट होना चाहिए। क्योंकि इससे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार अभी जब लोकसभा चुनाव में गई तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को वहां पर इस महंगाई का, बेरोजगारी का और दूसरे जो किसानों के मुद्दे थे, जीडीपी थी और एमएसपी थी, इन तमाम चीजों को लेकर व्यापारी जीएसटी को नाराज थे, तमाम टैक्स जो उन पर लग रहे हैं उनको नाराज थे, ये तमाम तरह की जो दिक्कतें इनको झेलनी पड़ी है। तो शायद उम्मीद की जा रही इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए सरकार या मोदी सरकार इस पर विचार करेगी। इन्हीं सब को लेकर वो तमाम तरह के एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं, बिल्कुल, यानी कि देखने वाली बात है कि आखिर इस बार जब वित्त मंत्रालय की ओर से बजट पेश किया जाएगा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी, तो इस बार क्या कुछ खास होने वाला है, ये देखने वाली बात रहेगी। बहुत शुक्रिया अखिलेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बहुत जल्द ही 2024-25 के लिए बजट पेश किया जाएगा। हालांकि अभी तक तारीख की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही ये बजट पेश करने की बात सामने आ रही है।